गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स टुडे आई विल डिस्कस विद यू ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी टॉपिक रिगार्डिंग द ह्यूमन डिजीज एंड हेल्थ इन विच आई विल डिस्कस विद यू अबाउट एड्स एंड कैंसर सो माई सेल्फ डॉक्टर मधु शर्मा लेक्चरार डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हरियाणा तो बच्चों आज हम एड्स के बारे में और कैंसर के बारे में दो जो भयानक बीमारी जिसने विश्व को घेर रखा है उसके बारे में जिक्र करेंगे कि एड्स है क्या एड्स कैसे फैलता है एड्स से क्या बचाव है एड्स का वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है और ये जो होस्ट की बॉडी के अंदर कैसे चला जाता है ह्यूमन बींग्स के अंदर इसके अलावा जो कैंसर है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कैंसर क्या है कैंसर किस तरह से फैलता है और कैंसर का कैसे डायग्नोस होता है तो इन सब के बारे में आज के जो लेक्चर है उसमें हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले एड्स एड्स जैसे आप सभी जानते हो एड्स का मतलब ए आई डी एस यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशेंसी सिंड्रोम इसका ये मतलब होता है एंड एड्स इज़ ए कंस्टलेशन ऑफ डिसऑर्डर्स दैट फॉलो इन्फेक्शन बाय एच आई वी विच अफेक्ट्स टी फोर सेल्स यानी कि जो एड्स है वो अपने आप में कोई बीमारी नहीं लेकिन उसकी वजह से जो हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो शीण हो जाती है और शीण होने की वजह से हमारी जो शरीर है इनफेक्शंस को सहन नहीं कर पाता और यहाँ तक कि उससे डेथ भी हो जाती है सो द वायरस क्रीपल्स द इम्यून सिस्टम सो दैट बॉडी बिकम्स हाईली ससेप्टिबल टू यूजअली हार्मलेस इन्फेक्शन एंड सम अदर रेयर फॉर्म ऑफ कैंसर्स यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको जो बॉडी है वो उसके लिए हाईली ससेप्टिबल है और जो हार्मलेस इन्फेक्शन्स भी होते हैं जो जनरल लाइफ के अंदर बॉडी अपने आप उसको क्योर कर लेती है, लेकिन उन इंफेक्शन से भी बॉडी हमारा से बचाव नहीं कर पाती और उस इंफेक्शन की वजह से या उससे होने वाली जो बीमारियां तो जहां तक हिस्ट्री की बात है HIV की, HIV आप सभी जानते हो जिसकी से होता है। सबसे पहले जो पता लगा वो 1981 के अंदर अमेरिका एक व्यक्ति के अंदर एच का वायरस मिला और वो वायरस जो था इट वॉज प्रवेलेंट इन द होमो सेक्सुअल पर्सनस सो उससे पहले हम जाते हैं तो इट वॉज़ अर्लियर प्रिवेलिंग इन द अफ्रीकन कंट्रीज टू डेट बैक इट वॉज डिटेक्टेड बाई ए फ्रांस साइंटिस्ट इन नाइनटीन एटी थ्री जिनका नाम था लुक मोंटगेनियर और इंडिया के अंदर जहाँ तक बात है वो नाइनटीन एट्टी सिक्स के अंदर चेन्नई के अंदर एक व्यक्ति था उसके अंदर एच वायरस मिला तो एच वायरस वहाँ मिला उसके बाद जो नेशनल लेवल पे बॉडी है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन वो एच के बारे में लोगों को जानकारी देना उनकी ट्रीटमेंट के बारे में उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करती है चिकित्सालय के अंदर ही कई तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और नेको है जो इस पूरे प्रोग्राम को देश भर में देख रहा है और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है जहाँ तक भारत के अंदर बात है लेटेस्ट डाटे जो आए हैं विच इंडिकेट दैट एट प्रजेंट अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन लैक्स पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम एच आई वी मीन्स दे आर एच आई वी पॉजिटिव तो चौबीस दशमलव सात लाख जो व्यक्ति हैं वो एच आई वी से पीड़ित हैं और हरियाणा की बात अगर हम करें तो हरियाणा के अंदर लगभग बयालीस हज़ार व्यक्ति एच आई वी पॉजिटिव हैं और लगभग संसार भर के अंदर लगभग सोलह हज़ार व्यक्ति रोज इसके अंदर फंस जाते हैं दे गेट इन्फेक्टेड ईच डे

टू वेच ए पर्सन विद नॉर्मल इम्यून सिस्टम रजिस्ट यानी कि अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन वो है कि जो वायरस बैक्टीरिया फंगस या प्रोटोजोन से होते हैं जिसको एक नॉर्मल प्रतिरोधक क्षमता वाला व्यक्ति आराम से रोक सकता है लेकिन अगर वो एच आई वी पॉजिटिव पर्सन है तो उसके साथ ये समस्या आ जाती है तो अब मैं आपसे बात करूँगा कि हाउ द एच आई वी इज बिंग ट्रांसमिटेड कि कैसे फैलता है तो सबसे पहले एक बात बता दूँ कि एच आई वी कोई मीडियम चाहिए जो एक जगह से दूसरी जगह जाए यानी कि एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाने के लिए उसे एक मीडियम चाहिए सो एच आई वी रिक्वायर्ज ए मीडियम दैट अलाउ इट टू लिव वन होस्ट सर्वाइव इन एनवायरमेंट इन टू विच इट इज़ रिलीज तो एच आई वी इज ट्रांसमिटेड वन सम बॉडी फ्लूड ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन एंटर्स टिश्यू ऑफ एन अदर पर्सन यानी कि एक व्यक्ति के जो टिश्यू फ्लूड है वहाँ से दूसरे के अंदर जब ये जाता है तो ही ये वहां से ट्रांसमिटेड होता है तो वायरस ऑफ एड्स इज ट्रांसमिटेड वाया एंड ब्लड एज इन एनल इंटरकोर्स अमंग होमोसेक्सुअल्स होमोसेक्सुअल्स यानी कि के, होमो के अंदर जब एनल इंटरकोर्स होता है तो उससे पॉजिटिव व्यक्ति होने का खतरा रहता है इसी तरह से एनाल के साथ साथ जो वेजाइनल इंटरकोर्स है अमंग हेट्रोसेक्सुअल इंडिविजुअल विद एन इन्फेक्टेड पर्सन विदाउट यूटिलाइजिंग उत ए काइंड ऑफ हाई क्वालिटी कैंडोम एंड ए स्पर्मेटीसाइड दैट कंटेन मोनोजाइनो नाइन टू हेल्प ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ दायरस मतलब जो कंडोम से है वो है सेफ सेक्स के बारे में एक वेजाइनल इंटरकोर्स हो रहा है एट्रोसेस के बीच में और देर इज नो यूज ऑफ कंडोम देर इज ए चांस इफ ए पर्सन इज इन्फेक्टेड अमंग द टू पार्टनर्स दैट ही विल और शी विल गेट इन्फेक्टेड विद द एच आई वी वायरस सिमिलरली यूज ऑफ कंटामिनेटेड अनस्टलाइज नीडल्स सीरेंस टू इंजेक्ट ड्रग्स और वैक्सीन जो कंटामिनेटेड अनस्टरलाइज नीडल होती है अनस्टरलाइज नीडल के बारे में आपको मैं बता दूं जो विसंक्रमित नहीं होती है उस विसंक्रमित ना होने की वजह से जो सिरिंज है या वो निडल है जिसे हम सुई बोलते हैं वो इन्फेक्शन एच का फैला सकती है इसके अलावा यूज ऑफ कंटामिनेटेड रेजर जो ब्लेड हम यूज करते हैं या रेजर यूज करते हैं उससे भी एड्स के फैलने का खतरा रहता है किसी दूसरे व्यक्ति से अगर वो इन्फेक्टेड है उसको दोबारा यूज ना करें सिमिलरली यूज ऑफ कंटामिनेटेड नीडल्स फॉर बोरिंग पिनना एंड नोज तो बच्चों आपने देखा होगा कि देहात के अंदर क्या होता है कि नाक और कान जो होते हैं उसको बिंदवाने के लिए व्यक्ति आते हैं और वो बिंदवाने के लिए हम क्या करते हैं कि जिन जिन लड़कियों को भी वो नाक और कान बिंदवाने होते हैं वो एक साथ सभी को बुला लेता है और वहाँ पे नोज और पिन्ना कान को बोर करने लग जाता है नीडल है उस नीडल को हमें क्या करना चाहिए कि स्टरलाइज होनी चाहिए ये नहीं कि एक बार कर दिया एक लड़की के नाक में या कान में दूसरी का भी हाथ किया तीसरी का भी तो उससे क्या है कि अगर उनमें से कोई भी व्यक्ति एच पॉजिटिव है तो ये पूरा खतरा है कि वो एच पॉजिटिव व्यक्ति से इन्फेक्शन किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जा सकता है तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए एंड आल्सो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स तो जहाँ तक मैंने आपके साथ बात करी कि कैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है या दूसरे जो रेजर से या नीडल से सिरंज से उसके मुकाबले जो ट्रांसमिशन है एच पॉजिटिव वायरस का वो इन्फेक्टेड ब्लड से 100 परसेंट फैलता है अगर किसी भी एच पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड लिया जाए और किसी स्वस्थ व्यक्ति को दिया जाए तो ये पूरी तरह से 100 परसेंट चांसेज़ हैं के वो व्यक्ति भी एच पॉजिटिव हो जाएगा तो किसी भी ब्लड बैंक से के अंदर खून देने से पहले या किसी का भी खून लेने से पहले उसकी एच की जांच जरूर करवा लेनी चाहिए इसी तरह से ऑर्गन्स और टिश्यू ट्रांसप्लांट तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑर्गन या टिश्यू ट्रांसप्लांट के लिए भी ये जरूरी है क्योंकि वहाँ भी आपका टिश्यू फ्लूड है वहाँ भी बॉडी के दूसरे फ्लूड हैं लिम्फ है या ब्लड है उनकी वजह से भी एच पॉजिटिव व्यक्ति से अगर ये ऑर्गन लिए गए हैं तो भी पूरे चांसेस हैं कि वहाँ पे वो इन्फेक्शन आ सकता है एक यहाँ पे और आपको बता दूँ पार्टोरिशन यानी कि यहाँ पे जो इन्फेक्टेड मदर होती है उस इन्फेक्टेड मदर से जो एच का वायरस है वो बच्चे में आ जाता है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू दी ऑस्प्रिंग डरिंग प्रेगनेंसी एंड बर्थ ड्यू टू रपच्चर्ड ब्लड वेसल्स एंड ब्रेस्ट फीडिंग तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रेगनेंसी के शुरू के महीने होते हैं वहाँ तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि मदर से बच्चे के अंदर उस वायरस के जाने की लेकिन पार्ट्रिशन के अंदर जब हैचिंग होती है या बच्चे की डिलीवरी होती है तो उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो रपच्चर कर जाती है एंड देर इज एवरी चांस ऑफ मिक्सिंग द ब्लड ऑफ द मदर विद द चाइल्ड्स एक जो आता है हेट्रोसेक्सुअल इंटरकोर्स विद ए पार्टनर इफ द लेजेंस आर प्रजेंट ड्यू टू एस्टडीज हेयर एस्टडीज मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो जो इस तरह का इन्फेक्शन है वो कैसे फैलता है मैंने आपको बताया कि इंटरकोर्स से फैलता है या इंटरकोर्स के साथ साथ क्या होता है कि जो बॉडी के अलग अलग फ्लूड्स हैं चाहे वो ब्लड है चाहे वो लिम्फ है या टिश्यू फ्लूड्स हैं उसके द्वारा फैलता है इफ़ देर इज एवरेजन ऑन द पैनिस वेजाइना और अदर पार्ट्स विच कम्स इन कंटेक्ट विद द

उसके साथ पानी पीने से खाना खाने से इस तरह से वायरस फैल जाता है उसके साथ रहने से सो वट आर द थिंग्स थ्रू विच द एच आई वी कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड तो वो कौन कौन सी चीज़ है नाइदर इट इज़ स्प्रेड थ्रू फूड एयर वाटर कैजुअल कॉन्टैक्ट जैसे एम्ब्रेसिंग है शेकिंग हैंड शेयरिंग टेलीफोन्स क्राउडेड ट्रांसपोर्ट या टॉयलेट या जिसे हम शौचालय बोलते हैं उसको एक साथ यूज़ करने से तरन ताल में नहाने से चुंबन लेने से एक दूसरे के कपड़े पहनने से या टेंसिल्स इनको हम बोलते हैं बर्तनों को एक दूसरे के बर्तन में खाने से तो इस तरह से बिल्कुल भी एच का वायरस नहीं फैलता किसी तरह के आज तक कोई एविडेंस नहीं है कि इन चीज़ों की वजह से एच का वायरस एच पॉजिटिव पर्सन से और स्वस्थ व्यक्ति के अंदर गया होगा तो हमें उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि इन चीज़ों से एच नहीं फैलता है और एक टेक्निकल टर्म होती है बच्चों उसको हम बोलते हैं पालवा पीपल लिविंग विद एच एड्स यानी कि जिन व्यक्तियों को एच हो गया है या एच पॉजिटिव है और वो रह रहे हैं उनको बोलते हैं पालवा तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शुरू के अंदर जब इसके अंदर इन्फेक्शन्स होता है तो फर्स्ट साइड के अंदर आदमी बिल्कुल नॉर्मल दिखता है और पाँच से दस साल के बाद उसके अंदर एक क्रॉनिक डिसऑर्डर का डेवलपमेंट होता है यानी कि एक सेट होता है पूरा क्रॉनिक डिसऑर्डर का वो डेवलप होने लगता है दे इंक्लूड क्या क्या उसके अंदर आपको सिम्टम्स दिखेंगे क्रॉनिक वेट लॉस यानी कि एकदम से काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस हो जाएगा डायरिया हो जाएगा फीवर हो जाएगा जिसे हम बुखार बोलते हैं जो लिम्फ नोड्स हैं वो एनलार्ज हो जाएंगे बड़े बड़े हो जाएंगे हमारी ब्रीदिंग शॉर्ट होने लगेगी बैड ड्रेंचिंग नाइट सर्ट्स यानी कि रात को जैसे आपने सुना होगा कई व्यक्तियों के एकदम से बेचैनी हो जाती है और रात को ही पसीने आ जाते हैं तो वो भी उनके साथ हो सकता है तो दीज आर द साइंस ऑफ द एड्स उसके अलावा ब्रेज इज ओपन डेवलप ऑन लेग्स एंड फ़ीट दे आर साइन ऑफ कपोसी सेक्रोमा ए कैंसर ऑफ द ब्लड वेसल्स एंडोथेलियम यानी कि एक बार अगर कैंसर उसकी वजह से हो जाता है क्योंकि मैंने बताया कि बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो खत्म हो जाती है उससे कैंसर हो सकता है और कैंसर जानलेवा हो जाता है एक ट्रम और आती है बच्चों यहाँ जिसे हम बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरू में आदमी बिल्कुल नॉर्मल लगता है तो जब एक आदमी इन्फेक्टेड हो गया उस वायरस से और उसके लक्षण कितने दिन में उभरते हैं यानी कि पाँच साल दस साल और पंद्रह साल का भी वो पीरियड ले सकता है तो ये जो पीरियड होता है वो बहुत ज्यादा होता है किसी के सिम्टम्स बिल्कुल शुरू में भी आ सकते हैं कोई जरूरी नहीं कि पाँच दस साल बाद ही आएंगे छह महीने से लेके लगभग दस से पंद्रह साल तक वो सिम्टम्स आ सकते हैं और इस दौरान का जो पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड्स सो इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ एड्स रेंजेज बिटवीन सिक्स मंथ टू टेन टू फिफ्टीन ईयर्स एवरेज बिंग ट्वेंटी एट मंथ्स तो स्ट्रक्चर है एच so, so, का कैसा होता है कि इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों रेट्रोवाइरस यानी कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आर है और जैसा कि आप अपनी स्लाइड पर देखोगे इसका स्ट्रक्चर तो इसके चारों तरफ क्या होता है कि अनाविलाप होता है प्रोटीन का और वहां पे आप बाहर स्पाइक्यूल स्पाइक्स देखोगे स्पाइक जैसे कांटे से होते हैं वो देख रहे होंगे आप और ये स्पाइक्स ही की बॉडी से कंटेक्ट में आते हैं और अंदर इसके अंदर आर होता है और एंजाइम होता है ट्रांसक्रिप्टेज तो इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है सिंपल स्ट्रक्चर होता है और एक बात और बता दूं कि ये जो वायरस होता है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन यानी कि मीडियम टू मीडियम ट्रेवल करता है अगर इसको मीडियम ना मिले तो जो इसका मेलिकुलर स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ये बगैर मीडियम के जीवित नहीं रह सकता तो इसको मीडियम जरूर चाहिए और इसके बारे में कुछ व्रांतियाँ और हैं वो आपको मैं साफ़ कर दूँ कि अगर इस वायरस को तीस सेकेंड के लिए बाहर बाहर से मेरा मतलब है जहाँ पूरी तरह से धूप आ रही हो वहाँ पे छोड़ दिया जाए तो 16 से 30 सेकंड में ये नष्ट हो जाता है अगर वहाँ पे मॉइस्चर है या दूसरी चीज़ें हैं तो इसका जो पीरियड है वो बढ़ जाता है अब बात आती है जो चीजें मैंने आपको बताई कि हाउ डज द एच आई वी एंटर्स इन टू द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन सो एच आई वी कैन ओनली रेप्लीकेट यानी कि रेप्लीकेशन का मतलब यहाँ है कि अपनी तरह की दूसरी कापियां वो कैसे बनाता है तो एच आई वी कैन ओनली रेप्लीकेट इन साइड द ह्यूमन सेल्स क्यों ऐसा होता है बच्चों कि क्योंकि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आर एन ए है और इसके पास कोई भी मशीनरी अपनी नहीं होती रेप्लीकेशन करने के लिए तो ये क्या करता है पहले होश सेल में जाता है द प्रोसेस टिपिकली बिगेन विद ए वायरस पार्टिकल बम्प्स इनटू ए सेल दैट कैरीज ऑन इट्स सरफेस स्पेशल प्रोटीन कार्ड सी डी फोर यानी कि ऊपर क्या होता है स्पेशल प्रोटीन होता है इसको सी डी फोर बोलते हैं तो ये वहाँ चला जाता है तो आपने सुना होगा बच्चों के जैसे जिस व्यक्ति को एच हो जाता है तो उसकी सी डी फोर सेल्स की काउंट डाउन होने चली लग जाती है यानी कि वो जो प्रोटीन है उसके ऊपर स्पेशल प्रोटीन उसकी संख्या कम होने लग जाती है द स्पाइक जो मैंने अभी बताया आपको एच के स्ट्रक्चर में द स्पाइक्स ऑन द सरफेस ऑफ द वायरस पार्टिकल स्टिक टू दी डी फोर सेल जो प्रोटीन है होस्ट सेल का उसके ऊपर क्या करता है ये चिपक जाता है एंड अलाउ द वायरन अलावेलाप टू फ्यूज विद द सेल मेब्रेन और उस सेल मेम्रेन के साथ क्या है फ्यूज हो जाता है द कंटेंट ऑफ दई वी पार्टिकल आर देन रिल्स अब क्या हुआ कि एच आई वी पार्टिकल्स का सारा कंटेंट किस में चला गया सेल में एंड लिविंग ओनली द एनाप यानी कि जो लिफाफा था उसको छोड़ गया सारा कंटेंट वहाँ कहाँ चला गया बच्चों वो उस सेल के अंदर चला गया तो यहाँ पे एक डायग्राम है आपके आगे और इसके अंदर आप देख सकते हो कि हाउ द रेट्रो वायरस एंट्रस इन टू दॉडी ऑफ द होस्ट तो रेट्रो वायरस है यहाँ पे आप देख रहे हो और वो रेट्रो वायरस वायरल आर कैसे उसके अंदर जा रहा है कि वो वायरस इन्फेक्ट्स नॉर्मल सेल क्या करेगा जो वायरस है एच वो नॉर्मल सेल्स को इन्फेक्ट कर रहा है और वो किसके अंदर जा रहा है एनिमल सेल के अंदर चला गया है वो बॉडी में तो वो वहाँ पे क्या करता है कि वायरल आरएनए एन इज़ इंट्रोड्यूस इनटू टू द सेल एंड वायरल डीएनए इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यहां थोड़ा सा आपको ये मैं क्लियर कर दूं बच्चों कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है और उसका इंटीग्रेशन क्या होता है वंस इनसाइड द सेल एचआईवी एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट द वायरल आरएनए इनटू डीएनए यानी कि ट्रांसक्रिप्टेज ट्रांसफर करने वाला रिवर्स ट्रांसफर करने वाला यानी कि आरएनए को किस में कन्वर्ट कर देता है वो डीएनए में कन्वर्ट कर देता है विच इज़ कंपेटिबल विद द ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल और हमारे में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है वो भी डीएनए डीएनए है दिस इज ट्रांसपोर्टेड टू है सेल्स न्यूक्लियस और जो मैंने आपको बताया जो एनिमल सेल्स है उस एनिमल सेल्स के अंदर वो चला जाता है डीएनए जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से बना किसका एच वायरस का वेर इट इज स्प्लिस्ट इन टू द्यूमन डी एन ए बाई एच आई वी एंजाइम इंटीग्रेज वंस इंटीग्रेटेड द एच आई वी डी एन एज नॉन एज प्रो वायरस अब यहाँ चक्कर क्या हुआ सबसे बड़ा कि जो वायरस का डी एन ए था वो डीएनए एनिमल सेल्स के डीएनए से मिल गया अब उस डीएनए को अलग करना बड़ा मुश्किल है लगभग आज के दिन तक वो असंभव है बच्चों और ये सबसे बड़ा कारण है कि हम उसका इलाज या उसका कोई वैक्सीन नहीं ढूंढ पाए क्योंकि अगर हम उसका इलाज करते हैं सारे डीएनए का तो वो हमारी बॉडी के साथ इंटीग्रेट हो चुका है जुड़ चुका है तो वहाँ उसको उससे अलग करना संभव नहीं हो पाया है अभी तक तो आफ्टर गेटिंग इन टू द बॉडी ऑफ ए पर्सन

सामल्टेनियसली एच आई वी एंटर्स इन टू दी हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के लिम्फोसाइट्स में चला जाता है वो टी सेल्स के अंदर चला गया टी सेल्स क्या होती है बच्चों के ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली सेल होती हैं तो जो टी सेल्स होती हैं वहाँ पे जब एच आई वी वायरस उनमें एंटर कर जाता है देन दे रेप्लीकेट एंड प्रोड्यूस प्रोजनी वायरस द प्रोजनी वायरस रिलीज इन द ब्लड अटैक अदर हेल्पर टी इंफोसाइड्स एक बार उसको अफेक्ट करेगा और ब्लड में चला जाएगा और उसके साथ साथ वो दूसरी टी सेल्स को भी इन्फेक्ट करने लग जाता है दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू ए प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स तो वहाँ ये क्या कर रहा है सबसे बड़ा काम कि जो हेल्पर टी सेल्स हैं जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं उनकी संख्या लगातार कम करता चला जाता है और उसकी वजह से जो पर्सनस है वो इन्फेक्टेड होता चला जाता है और ज़्यादा और ज़्यादा और, और उसकी प्रतिरोधक क्षमता गिरती चली जाती है और इस दौरान जब वो टी सेल्स की संख्या को कम करता है या इन्फेक्शन बढ़ाता है तो वहाँ जो एक व्यक्ति है वो किस किस चीज़ से ही सफर्स फ्रॉम दाउट ऑफ फीवर आने लगेगा डायरिया उसको हो जाएगा वेट लॉस होगा क्यों हो रहा है ये बच्चों क्योंकि टी सेल्स की संख्या घट रही है ऐसा नहीं है कि जो शरीर है या हमारा या जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है वो उसका मुकाबला नहीं कर रही है वो उसका मुकाबला बराबर उससे कर रही है और उसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही ये वायरस वहाँ एंटर कर रहा है टी सेल्स जो होती हैं वो जिस सेल के अंदर ये इन्फेक्ट करता है वहाँ उसकी संख्या को बड़ी तेज़ी से बढ़ा देती है यानी कि एंटीबॉडीज़ वहाँ बढ़ जाती हैं टी सेल्स यानी कि बढ़ जाती हैं जैसे इसका इन्फेक्शन होता है चैवी का वहाँ पर लेकिन उसके साथ साथ सौ मिलियन से लेके कर एक बिलियन तक लगभग जो मैंने बताया प्रो वायरस वो भी बनता जाता है उसकी संख्या भी बढ़ती जाती है और जो हमारी लिम्फोसाइड्स हैं जो प्रतिरोधक क्षमता वाली जो सेल हैं वो क्या करती हैं कि लगातार उससे लड़ती रहती हैं और लगभग जो आदि जो प्रो वायरस बन गया है उसको खत्म कर देती हैं उसकी जगह क्या रिप्लेस कर देती हैं नई टी सेल कर देती हैं लेकिन वो नई टी सेल्स भी उसके लिए पर्याप्त नहीं होती लड़ने के लिए धीरे धीरे जो एच का इन्फेक्शन है यानी कि एच है वो ब्लड में और लिम्फ में चला जाता है साथ साथ जो इन्फेक्टेड टी सेल्स हैं और वो पूरी बॉडी में लगभग फैल जाता है तो इसका पूरा प्रोसीजर मैं समझता हूँ कि अब आप, आपको क्लियर हो गया हो गया तो डायग्नोज कैसे होता है बच्चों थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको मैं बता दूँ कि एलिसा टेस्ट से होता है और एक होता है वेस्टर्न ब्लोज टेस्ट तो एलिसा टेस्ट क्या होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस इसके अंदर क्या होता है कि पूरी तरह से जो एंटीबॉडीज़ और जब एंटीबॉडीज़ की संख्या बढ़ जाती है बच्चों तो हमें पता लग जाता है कि किसी ना किसी तरह की कोई समस्या है फिर उसको कंफर्म करने के लिए हम वेस्टर्न ब्लड टेस्ट करते हैं इसके साथ साथ आजकल डीएनए का भी टेस्ट आ रहा है नाउ वी कम्स टू द कैंसर वट द कैंसर इज कैंसर इज एन अनकंट्रोल्ड प्रोलीफरेशन ऑफ द सेल विदाउट एनी डिफरेंस यानी कि वो प्रोलीफरेशन बढ़ाती जाती है अपनी संख्या को किसी भी डिफरेंस के बगैर या कोई भी स्पेशलाइजेशन सेल के के बगैर सो इट इज एन अनडिफ्रेंशिएटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स कैंसर सेल्स डोंट रिमेन कंफाइंड टू दन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दे स्टार्टेड टू मूव इन टू द एड्ज्वाइनिंग एरिया और थ्रो ब्लड्स टू दी अदर पार्ट्स एंड आल्सो इनफेक्ट दैट पर्टिकुलर पार्ट वहाँ चली जाती है और उस भाग को भी वो प्रभावित करती है तो उसके अलावा आप देखोगे कि कैंसर सेल्स कैंसर सेल जैसे मैंने आपको बताया बच्चों में भी क्या है अनडिफ्रेंशिएटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स ये एक्चुअली में होती क्या है थोड़ा सा इसके बारे में आपको मैं बता दूँ कि जो कैंसर सेल्स होती हैं वो उन जगह पर जो ज़्यादा होती है जहाँ पे कंटिन्यूसली टिश्यूज़ या सेल्स रिप्लेस होते रहते हैं माइटोसिस से तो तब जो सेल्स रिप्लेस कहाँ पे होते हैं जनरली जैसे लंग्स हैं लीवर है रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं या हमारी लाइनिंग होती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स की वहाँ पे होते हैं लगभग तो इनके अंदर क्या होता है कि जो माइटोसिस हो रही है उससे एक से दो सेल बन रही है तो यहाँ पर क्या होता है जो माइटोसिस होती है जनरल माइटोसिस तो उसके अंदर एक पेस होती है यानी कि एक गति से और कंट्रोल लेवल मैनर के अंदर डिवीजन होता है लेकिन यहाँ समस्या क्या आती है कि कौन से ऐसे कारण है उसके बारे में अभी पता नहीं लगा है द रीज़न अननोन के किस तरह से ये जो कैंसर की सेल्स हैं उनके अंदर जो डिवीजन है माइटोसिस का वो बढ़ जाता है एंड इट बिकम्स अनकंट्रोल्ड एंड दिस इज वट कार्ड कैंसर तो आपको पूरी तरह से कैंसर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी सो नॉर्मल सेल्स शो ए प्रॉपर्टी कार्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बाई वर्च्यू ऑफ विच कंटैक्ट विद अदर सेल्स inhibit their uncontrolled अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कैंसर सेल्स अपीयर have हैव this दिस प्रोपर्टी तो आपको पता लग गया होगा कि जो कैंसर की सेल्स है उसके अंदर ये जो प्रॉपर्टी होती है वो खत्म हो जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैंसर सेल्स जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइट टू मासिस ऑफ द सेल्स कार्डेज ट्यूमर तो जैसे मैंने बताया कि अनकंट्रोल्ड हो जाती है वहाँ पर उसकी कोशी जो विभाजन है वो लगातार होता रहता है और वो कंट्रोल्ड हो जाता है और वो एक पूरा मास बना देती है सेल्स का और उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों ट्यूमर बोलते हैं ट्यूमर दो तरह का होता है लगभग एक बैनिंग बोलते हैं को मेलीगेंट ट्यूमर बोलते हैं जो बैनिंग ट्यूमर्स की जहाँ तक बात है वो एक जगह पे ही कन्फाइंड रहता है टू देयर ओरिजिनल लोकेशंस एंड डोंट स्प्रेड टू दी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड काज लिटिल डैमेज जैसे ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो जाता है लेकिन वहाँ समस्या क्या आती है ब्रेन के ट्यूमर से लोग मर जाते हैं आपने सुना होगा वैसा क्यों होता है बच्चों क्योंकि ये जो ट्यूमर होता है ये वहाँ पे जो सेल्स का जो मास बना है वो मास अपनी जगह लेता है जो कि नेचुरल बॉडी के अंदर उसकी जगह नहीं होती और जो ब्रेन जो हमारा होता है वो उस ब्रेन को स्कल के साथ अटैच कर देता है और क्योंकि ये अपनी जगह लेता है और जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ती जाती है जो ब्रेन है वो और ज्यादा चिपकता चला जाता है किससे स्कल से और इस वजह से कई बार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है दूसरा जो होता है मेलिगेंट ट्यूमर ये जो ट्यूमर होता है ये ज्यादा खतरनाक होता है और ये अपनी जगह तक सीमित नहीं रहता एंड इट प्रोबलीफरेट द सेल्स तो ये क्या करता है कि ट्यूमर सेल्स बनाता रहता है और एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है दी सेल्स ग्रो वेरी रिपिडली एंड इनवेडिंग एंड डैमेजिंग द अदर सेल्स कौन सी सेल्स जो सराउंडिंग टिश्यूज की होती हैं या दूसरी जगह की होती हैं वहाँ पर चला जाता है एज दी सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो देो स्टाव द नॉर्मल सेल्स बाई कम्पीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिय तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों के जो सेल्स है वो क्या कर रही है कि ग्रोथ होने लग गई है वहां पे अब ये जो कैंसर सेल की जो ग्रोथ हुई है वो जो दूसरी सेल्स हैं उन सेल्स के साथ कंपटीशन करती है किसके लिए न्यूट्रिशन और दूसरी चीज़ों के लिए और उनको क्या कर देती है ये भूखा मार देती है जिसको हम बोलते हैं उनकी जो चीज़ें जो उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती नॉर्मल सेल्स को वेयर दे गेट लॉग्स इन टू बॉडी दे स्टार्ट ए न्यू ट्यूमर देयर दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेटास्टेटिस मेटास्टेटिस क्या है कि मेलीगेंट ट्यूमर की एक प्रॉपर्टी है टाइप ऑफ कैंसर अलग अलग तरह के हैं जैसे कार्सिनो मर्स ये क्या होता है मेनली ड्राइव फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स और ग्लैंडुलर टिश्यू में होता है जैसे सर्वाइकल में होता है ब्रेस्ट स्किन ब्रेन और लंग कैंसर में इसी तरह से मेलेनोमास दीज आर द कैंसरस ग्रोथ ऑफ दी मेलेनोसाइट्स के अंदर होते हैं सार्कोमास दीज कैंसर अफेक्ट द टिश्यू ड्राइड फ्रॉम द मिजोड्रम सच एज मस्कुलर टिश्यूज और उसके अलावा एक और होता है जिसको हम सब जानते हैं ल्यूकीमिया ल्यूकीमिया क्या होता है बच्चों वो होता है ब्लड कैंसर और उसके अंदर क्या होता है कि जो व्हाइट ब्लड कार्पसल्स है न्यूकोसाइड की संख्या बढ़ जाती है लगभग दो लाख से दस लाख के बीच में चली जाती है अगर वो बढ़ जाती है तो क्यों बढ़ती है क्योंकि बोन मैरो के अंदर उनकी संख्या तेजी से बढ़ती चली जाती है और वो एक तरफ का सबसे खतरनाक कैंसर माना जाता है कॉजेज क्या है किस कारण कैंसर होता है सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इन टू प्लास्टिक सेल्स में इंड्यूस्ड बाई फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स तो ये कौन से अलग अलग एजेंट्स हैं फिजिकली तो जैसे मैंने आपको बताया कॉन्टैक्ट में आने से वो हो जाता है जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा कि कश्मीरी जो होते हैं वो अपने कांगड़ी के अंगीठी होती है वो अपने पेट के साथ लगा लेते हैं और बार बार उसको टच करती है रिटेंट करती है तो उसकी वजह से क्या होता है वहाँ कैंसर उनकी स्किन का डेवलप हो जाता है इसी तरह से बी टलेंट टोबैको चुविंग बार बार पान चबाने से जो हमारे बक्कल कैविटी है उसके अंदर कैंसर हो सकता है हैवी स्मोकिंग से लंग्स कैंसर हो सकता है केमिकल एजेंट केमिकल एजेंट भी अलग अलग होते हैं उनकी वजह से भी कैंसर हो जाता है जैसे डाइज होते हैं जो यूज़ करते हैं कारखानों में इंसेक्टिसाइड है पेस्टिसाइड्स है निकोटिन है कैफीन है या आर्टिफिशियल स्वीटनर है इस तरह से बहुत से केमिकल एजेंट हैं जिनकी वजह से कैंसर हो जाता है इसी तरह से रेडिएशन से आयनाइजिंग रेडिएशंस अलग हैं नॉन आयनाइजिंग अलग है आयनाइजिंग रेडिएशंस के अंदर हमारे पास क्या है एक्स रेज हैं दूसरी रेज हैं और नॉन आयनाइजिंग के अंदर हमारे पास कौन से हैं अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये रेज क्या करती हैं कि व्यक्ति के अंदर कैंसर को प्रोड्यूस कर देती है हाँ तो ये तो बात ही बच्चों रेडिएशन्स की कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स भी होते हैं कुछ वायरस होते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर कैंसर हो सकता है लेकिन अभी तक इस तरह के कोई पुख्ता सबूत हमें नहीं मिले हैं उसके बाद हम आते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर कैसे होता है तो उसकी अप्रोचेज अलग अलग है जैसे सर्जरी से रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी सर्जरी में उस पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है रेडिएशन थेरेपी में ट्यूमर सेल्स आर इरीटेटेड लिथली टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यूज सराउंडिंग द ट्यूमर मास सेवरल कीमोथेरापेटिक ड्रग्स आर यूज टू किल द कैंसर सेल्स मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स लाइक हेयर लॉस एनीमिया एट्सेट्रा मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी तो ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इसको ट्रेस आउट नहीं कर पाता किस चीज़ को कैंसर सेल्स को और उसको ना तो उसको डिटेक्ट कर पा सकता है या ना उसको डिस्ट्रैक्ट कर पा सकता है तो देयर फॉर द पेशेंट्स आर गिवन सब्सटांस इस तरह का सबस्टांस क्या दिया जाता है किस वजह से ताकि वो उसको रिस्पॉन्स करे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे उनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स सच एज ए इंटरफेरॉन विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन द डेस्टोइंग द ट्यूमर कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस कैसे होता है कैंसर डिटेक्शन उसको हम बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज के बेस के ऊपर जो टिश्यूज़ की है उनको करते हैं एंड ब्लड एंड बॉनमेरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल्स काउंट इन द केस ऑफ ल्युकीमियाज ल्युकीमियाज मीन्स ब्लड कैंसर सो कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो बायोपसी क्या होता है एक पीस ले लिया जाता है टिश्यू का कट करके और एक उसके छोटी सी उसका थिन सेक्शन बनाया जाता है उसको स्टेन करके एग्जामिन किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर पैथोलॉजिस्ट से और उसके अंदर अलग अलग टेक्निक यूज़ की जाती है जैसे एक्सरे कंपाउंड टोमोग्राफी एम आर आई दे आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स कंपाउंडेड टोमोग्राफी यूज़ एक्सरेज तो ये जो चीज़ें थी कैंसर्स के बारे में मैंने आपको बताई तो इस तरह से उसका डिटेक्शन और डायग्नोसिस होता है तो आई थिंक टुडे द स्टूडेंट्स यू हैव गोन थ्रू द होल ऑफ द एड्स एंड कैंसर्स एंड नाउ विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वट आर एच आई वी एंड एड्स एंड वट इज कैंसर्स तो आज का जो होम असाइनमेंट यही है कि आप जो इसकी मेन मेन जो चीज़ें हैं कि कैसे फैलता है कैसे नहीं फैलता है हाउ इट एंटर्स इन टू दॉडी ऑफ ए नॉर्मल पर्सन इसी तरह से कैंसर सेल्स की ग्रोथ कैसे होती है इस चीज़ के बारे में एक असाइनमेंट बना के अपने सर को दिखाओगे और उसमें कोई समस्या आए तो वहाँ पूछोगे थैंक यू वेरी मच फॉर टूडेज लेक्चर